हैप्पी बर्थडे दीदी। सेल्फी का बात हो और आपका नाम ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सेल्फी तो आपको हर जगह लेनी है, चाहे आप कहीं भी हो, कहीं भी, चाहे रास्ते से जाओ, चाहे कुछ खाओ, चाहे सो, चाहे पियो, अब जीजा जी आपकी इन सब बातों से वो इतने परेशान है कि कभी कभी उनको इतना गुस्सा आ जाता है ना एकदम कि कंट्रोल नहीं होता है। दीदी चला मत, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा। ना तारीख ना सुनवाई, सीधा इंसाफ, वो भी ताबड़तोड़। और फिर भी हमारी प्यारी दीदी दिन भर घर का काम करती रहती हैं, पूरे घर को साफ सुथरा चमका कर रखती है, लेकिन कभी कभी उन्हें सुप्रज्ञा अतुल की याद आ ही जाती कि काश वो होते तो कुछ हेल्प हो जाती। और हमारे जीजा जी उन्हें तो ऐसा लग रहा है मानो स्वर्ग ही मिल गया हो। एक तो इतनी सुंदर अप्सरा जैसी बीबी, ऊपर से स्वर्ग जैसा घर, और मन ही मन वो दीदी से तो कितना प्यार करते हैं, जताते नहीं हैं, लेकिन बहुत छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। हमारी दीदी वो तो आजकल योगा, फिटनेस, रेकी और ऑनलाइन इंटरव्यू देने में इतनी बिजी है कि क्या बोले, कि कभी कभी तो बात करते करते बीच में फोन ही रख देते कि बाद में बात करेंगे। हाँ तो कहाँ से आप आए इंटरव्यू देने? जी हम बिहार से आए इंटरव्यू देने। हाँ तो एक सवाल का ये जवाब दीजिए कि जब पाप का घड़ा भर जाता है फिर क्या होता है? अगर वो घड़ा भर गया तो एगो दूसर का घड़ा रख दीजिए वहीं पे। और फिर एक दिन आता है जीजा जी को इतना भयंकर गुस्सा, लेकिन वो दीदी से कुछ नहीं कहते, अपना पूरा गुस्सा अरियन पर निकालते, अरियन पर बेचारा। तेरा बाप आया और फिर हमारी दीदी जीजा जी को मनाने में जुट जाती हैं और रोज़ नई नई डिशेस बनाकर खिलाती है, और जीजा जी से कहते मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया, भूखी हूँ मैं, भूखी सुबह से, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती, बाप रे सारा दिन तड़पती हूँ, सारी रात जगती हूँ। जीजा जी तो पहले से ही खुश थे, दीदी का कुछ मजा ले रहे थे, और फिर रोमांस शुरू हो जाता है। दीवाना मैं तेरा दीवाना, मोहब्बत। लेकिन हमारी दीदी इतनी जल्दी नहीं मानने वाली। जीजा जी से कहती है कि उन्होंने जो रात को सब्जी खाई थी ना, उसके बारे में वह उन्हें बताती है कि उसमें क्या क्या मिला हुआ था, क्या ढाला था। रात को तुमने गुलाटी जीरे आलू खाए ना? आलू जीरा, हाँ पता है। वो तो जो जीरा था ना वो जीरा नहीं था, मैंने 14 मच्छर मार के आलू में डाले थे। तूने मेरे को मंगलवार को नॉन वेज खिला दिया। अब जीजा जी भी बोलते चलो ठीक है छोड़ो सब, और उन्हें कहते कि चलो होटल चले। वो दोनों रात को होटल जाते और दीदी को कहते कि चलो ऑर्डर करो, क्या खाना है बोलो, ऑर्डर कर दो। अंग्रेजी बोले के तो हमारा आदत छूट गई। कल है एगो चाय वाला के दुकान पर जाके कहनी कि भैया गिव मी टू कपटी, तो कहत रहे तू कपटी, तोर बाप कपटी, तोर पूरा खानदान कपटी। अब ऐसा का गलती कर देनी है। अब दीदी का मन तो दिन भर एस्ट्रोलॉजी में ही रहता है। अब इतने जो बार बार कुछ रूठना मनाना चल रहा है, तो दीदी एक एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड रीडर के पास जाती है और उन्हें अपना हाथ दिखाती है और बोलती भाई बताइए ना क्या हो रहा है ये सब। यार तोरे हाथ में तो बहुत धन है, बहुत सब ठीक है, लेकिन जा बताओ कि एक हूँ बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करें। हाँ?
सो दीदी हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, इन्जॉय करिए आप अपनी लाइफ में, हमेशा आगे बढ़िए और जो आपके मन में है सब कुछ करिए। जीजा जी हमेशा आपके साथ है, हम लोग भी आपके साथ हैं। सुमा